Hey, what's up people guys, this is Ripon and you're watching another video, backlink. वैसे मैंने backlink के वीडियो में एक अलग से वीडियो बना के रखा है जहाँ पर मैंने properly बताया कि backlink क्या होता है, कैसे क्या कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए. उस वीडियो में मैंने बहुत सारे कुछ बताया था, लेकिन एक चीज़ नहीं बताया, वो है वेब 2.0 backlink क्या होता है, इसका काम क्या है और इसको कैसे बनाना है. ठीक है, आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि मैं आपको बताऊंगा कि वेब 2.0 backlink क्या होता है और इसको आप कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं और कैसे लाइक अनलिमिटेड बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक जेन्युइन वेबसाइट से. देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब 2.0 बैकलिंक क्या होता है. एक है वेब मतलब रोबोट और दूसरा है रोबोट 2.0 यानी कि उसका सीक्वल, है ना. तो इस तरीके से होता है. वेब मतलब मान लो कि आपका एक ब्लॉग है और एक सब ब्लॉग जो बोलते हैं, सब ब्लॉग मतलब सब डोमेन से रिलेटेड ब्लॉग जो होते ना, उस टाइप के ब्लॉग को बोलते हैं वेब 2.0 ब्लॉग. फॉर एग्जांपल ब्लॉगरस्पॉट, है ना. आप ब्लॉगर पे अगर फ्री में एक वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर लाइक योर डोमेन डॉट ब्लॉगरस्पॉट डॉट कॉम, है ना. मेन डोमेन जो है ब्लॉगरस्पॉट डॉट कॉम है और उसके आगे आपका आपने आपका ना कोई अगर वेबसाइट क्रिएट किया है तो उसका डोमेन नेम रहता है, उसके बाद डॉट ब्लॉगरस्पॉट डॉट कॉम रहता है, तो वो एक वेब 2.0 ब्लॉग कहा जाता है. सेम टू सेम wordpress.com पर अगर आप फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं, weebly.com पर या फिर तो wix.com पर जो फ्री डोमेन मिलता है आपको, सब डोमेन मिलता है, तो वो सारे के सारे होते हैं वेब 2.0 ब्लॉग. अब यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. देखो यार, अगर आपको जेन्युइनली बैकलिंक चाहिए, यानी कि विदाउट एनी कमेंटिंग बैकलिंक और ऐसे वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, आपको सिंपली जेन्युइनली वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जो blogger.com है या फिर wordpress.com है, यहाँ पर जाकर फ्री का वेबसाइट क्रिएट करेंगे एंड वहाँ पर जाकर आप जेन्युइनली जैसे आर्टिकल डालते हैं वैसे आर्टिकल डालेंगे एंड आपका जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक आप यहाँ पर जाकर जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये जो वेब 2.0 ब्लॉग्स है यहाँ पर से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा. हालांकि ये बैकलिंक इतना हाई क्वालिटी नहीं होता, लेकिन ये जेन्युइन बैकलिंक होता है जिससे कि आपका अथॉरिटी बढ़ती है आपके वेबसाइट का. ठीक है, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊँगा कैसे आपको आर्टिकल वगैरह डालना है, वो तो बस सिंपल सा चीज़ है. यहाँ पर मेन कंसेप्ट यही है. अब यहाँ पर कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखो यार, आप यहाँ पर बहुत सारे अनलिमिटेड बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए कि आपका एक मेन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक लेना है, वो भी आप ले सकते हैं एकदम पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर. इवन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर नीश रिलेटेड बैकलिंक चाहिए, मान लो कि आप लिख रहे हो फूड के ऊपर, तो आप चाहते हो कोई फूड वाले पोस्ट के पास से मेरे पास लिंक जुड़ जाए, तो आप क्या करोगे, एक फूड से रिलेटेड ब्लॉग ओपन करो, फ्री का ब्लॉग, उसको गूगल पेज गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है तो करो, वरना ना करो तो भी कोई बात नहीं. और वहां पर अगर तुम फूड रिलेटेड आर्टिकल डालते हो एंड आपके ब्लॉग में लिंक लेते हो, तो वो आर्टिकल जब इंडेक्स होगा गूगल में तो आपको भी एक अच्छा खासा बैकलिंक यानी कि लिंक जूस मिल जाएगा. तो यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे फैसिलिटीज है, जैसे कि आप जितना मैनेज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पूरा का पूरा लिस्ट हो सके जब रेडी हो जाए तो मैं आपको नीचे लिंक मिल जाएगा एक वेब 2.0 ब्लॉग का लिस्ट, जैसे कि blogger.com है, wordpress.com है, weebly.com है, wix.com है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, मतलब 100 के ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में ब्लॉग क्रिएट का ऑप्शन दिया जाता है. वहाँ पर सिंपली आपको जाना है कोई और हाँ यार, बहुत सारे लोग स्पिन करते हैं, मतलब जो आर्टिकल जनरेटर होता है वहाँ पर से रैंडम से आर्टिकल जनरेट करके वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं करना यार, आपको थोड़ी सी मेहनत करना है. आप रैंडम से 400-500 वर्ड के अंदर आपको एक आर्टिकल लिखना है एंड वहाँ पर से आप अगर बैकलिंक देंगे तो एटलीस्ट गूगल को ये लगेगा कि भाई हाँ, ये जो वेब 2.0 ब्लॉग है ये एक्चुअली एक जेन्युइन ब्लॉग है और इसके लिंक को हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पिन कर दिया और टेढ़ा मेरा कोई सा भी मतलब ये डाल दिया, एक पोस्ट में 10-12 लिंक डाल दिया, तो ये मैटर नहीं बनता, स्पैम कैटेगरी में आ जाएगा वो. ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है. बहुत ही सिंपल यार, आपका मेन ब्लॉग पे तो फोकस करना ही करना है, उसी तरीके से आपको जो वेब 2.0 ब्लॉग है वहां पर भी थोड़ा बहुत मेहनत डालना है ताकि आप लोगों को जेन्युइन बैकलिंक मिले. देखो यार, अगर आप जेन्युइन बैकलिंक दूसरे वेबसाइट से चाहते होंगे तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो वहां पर जाकर एक क्वालिटी गेस्ट पोस्ट करना होगा, उसके बदले में आपको एक बैकलिंक मिलेगा. लेकिन यहां पर आपके पास तो पूरा का पूरा वेबसाइट है जहां पर से आप जितना चाहे उतना मर्जी
बैकलिंक ले सकते हैं ना, तो क्यों ना इस पे हम थोड़ा सा मेहनत करें। अब यहाँ पर बता देते एक और चीज, आप यहाँ जितने सारे ब्लॉग्स मेंटेन कर पाएंगे उतने सारे ब्लॉग्स में से आप बैकलिंक ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड बैकलिंक आप ले सकते हो। और वेब 2.0 बैकलिंक कोई भी स्पैम बैकलिंक नहीं होता है, बिल्कुल जेन्युइन बैकलिंक्स होते हैं। मैंने ऐसे कई सारे वेबसाइट देखे हैं जैसे कि vwom.com और भी ऐसे कई सारे वेबसाइट देखे जो कि इन वेब 2.0 बैकलिंक्स का ही यूज करके अपने वेबसाइट का DAPA जो है वो 80 प्लस कर लिए हैं, तो इजीली आप भी कर पाएंगे। इवन मैं खुद भी ये यूज करता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये सिंपल सा है, आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि कैसे सिंपली आपको बैकलिंक क्रिएट करना है अगर आप एकदम बिगिनर हो तो। देखो यार, वेब 2.0 बैकलिंक क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर blogger.com है, wordpress.com है और hubpages.com है, उसके बाद mix.com है और ऐसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। और ये ब्लॉग कैसा होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं अगर आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट करेंगे blogger.com पे, तो आपको आपका डोमेन नेम के साथ .blogspot.com ऐसा आपको फ्री का डोमेन दिया जाता है, अब यहाँ पर आप अपना कॉन्टेंट जो है पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप का चीज़ है, आपको एक एटलास वेब पेज क्रिएट करने का मौका मिल रहा है इंटरनेट पे, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे वेबसाइट पर अपना एक एक करके अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, एक फ्री का ब्लॉग सेटअप करना है। और ये ब्लॉग का लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉगिंग माफिया का एक पोस्ट का लिंक दूंगा, जहाँ पर आपको मैं कोशिश करूँगा बहुत जितने भी हो सके ज़्यादा तरीके से 100-150 या फिर 50 के करीब मैं आपको ऐसे blogger.com, wordpress.com के तरीके का जितने भी साइट्स अवेलेबल हैं उन सारे के लिंक का लिस्ट मैं देने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर जाकर आप फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इन सारे चीज़ों को आपको गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट करना होगा। अब देखो यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबमिट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि गूगल ऑटोमेटिकली क्राउड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों ब्लॉग का, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पर ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे पे काम करना भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइट पर मैंने ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और वहाँ पर मैंने उनको गूगल के सर्च कंसोल में भी सबमिट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको सिंपली कोई सा भी पोस्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि कॉपी पेस्ट पोस्ट ना ही क्रिएट करो तो ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर से एक डेमो कंटेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा। मान लो आप एक जो बैकलिंक लेना चाहते हो वो कोई फूड रिलेटेड वेबसाइट में बैकलिंक लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल भी आप लिखेंगे ना वो भी आप फूड रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड एक्सपीरिया वर्कमैन का एक मतलब एप्लीकेशन का यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पर बैकलिंक लेना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, ब्लॉगिंग माफिया ऑफिशियल पेज का मतलब मेरे को बैकलिंक लेना है। अभी ये वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे कि मतलब A to Z में वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट मतलब वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट, उसके ऊपर एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं एक लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने ये फर्स्ट में ही मैंने लिख दिया ब्लॉगिंग माफिया। आप जिस भी कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक लेना चाहते हो उस कीवर्ड को लिखिए एंड उसके ऊपर आप अपने लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, ध्यान रहने कि ये वाला जो एड रियल नो फॉलो इसको आप टिक मार्क मार दीजिएगा, वरना आपका नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट। तो ऐसे ऐसे करके देना है और एक पोस्ट में एक ही लिंक लो तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आप एकदम प्रॉपर तरीके से जो कंटेंट लिखते हैं ना उस तरीके का आप एक छोटा मोटा सा लो क्वालिटी कंटेंट आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो कि एटलीस्ट गूगल इंडेक्स करे, है ना। बस ये कंप्लीट हो गया और आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यार देखो, ध्यान रहे कि आप मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आप इससे भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से करना। मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए एकदम रैंडम से दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये एक तरीके से आपके पास बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल सिंपल से। अब आपको इनको क्या करना है, सिंपली पब्लिश कर देना है ना, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब ये गूगल क्राउल कर लेगा तो उसी साथ साथ आपका ये जो लिंक है बैकलिंक है इसे भी काउंट कर लेगा। तो ये आपके पास एक तरीके से 2.0 बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप गाइस ब्लॉगिंग माफिया के इस बैकलिंक के सीरीज में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यार
हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कुछ नहीं यार, जस्ट इस वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक PBN बैकलिंक के ऊपर लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यार सॉरी सबसे पहले तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है। देखो यार, सबसे पहला तो मेरी ऑफिस का काम चल रहा है, वहाँ पर भी मुझे टाइम देना पड़ रहा है, और ऊपर से मेरे इतने सारे ब्लॉग्स हैं अकेले मेंटेन करना, यार ज़बरदस्त हवा टाइट हो रहा है मेरा। सो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए ना तो टेक्निकल रिपोर्ट पे भी और यहाँ पर ब्लॉगिंग माफिया पे भी रेगुलर वीडियोस में डालूंगा। ब्लॉगिंग का काम मैं अपनी टीम के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, सो उसके बाद मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए। और जितने भी लोग यार वीडियोस के लिए वेट करते रहते हो ना, उनको मेरी तरफ से तय दिल से यार धन्यवाद भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन क्या बोलो यार, यही बोलने के लिए मतलब और कुछ मिला नहीं। लेकिन उनको मैं यार सच्ची में यार एक दिन जाकर आप लोगों से जब मिलूंगा तो मैं अपना एक्सप्रेशन बाहर निकाल पाऊंगा कि यार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका वीडियोस के लिए वेट कर रहे हैं तो यार ये बहुत दिल को ना बहुत शांति मिलती है। लेकिन सबसे पहले तो सॉरी कि मैं आप लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है पूरा नहीं कर पाता हूँ। अभी जो है ना टाइम रात के 2 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी जाकर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला कि इसके ऊपर वीडियो, और एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। सो गाइस बाकी के फालतू बातें बंद करते हैं, अभी इस वीडियो को मैं फिलहाल के लिए यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो या गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।